भारत और फ्रांस के बीच डील होते ही चीन और पाकिस्तान की बढ़ेंगी मुश्किलें। भारत के मास्टरमाइंड डोभाल ने तैयार किया पूरा प्लान। फ्रांस जाकर डोभाल पूरे काम को देंगे अंजाम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। आज का भारत नया है, दुश्मन के लिए काल और दोस्त के लिए हाल है। भारत एक ताकतवर महाशक्ति बनने की तरफ इस तेजी से आगे बढ़ रहा है कि अब अगर इसके सामने कोई भी आया तो बस खत्म ही होगा। भारतीय सेना ऐसी सेना है जो भारत की तरफ आंख उठाने वालों को पाताल में भी ढूंढ कर मारने की क्षमता रखती है, यानी फौलादी हौसले हैं। और भारतीय सेना को और ज्यादा मजबूती देने के लिए मोदी सरकार अब कोई कसर नहीं छोड़ रही। तभी तो पाकिस्तान और चीन सहमे हुए हैं। यही नहीं, दुनिया भर के देशों से भारत के कूटनीतिक, रणनीतिक, सामरिक, आर्थिक रिश्ते नई ऊंचाइयां छूने की ओर अग्रसर हैं। ऐसा माना जाता है कि अभी भारतीय डिप्लोमेसी में तीन अहम लोग हैं। एक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे विदेश मंत्री एस जयशंकर और तीसरे एनएसए अजीत डोभाल। अजीत डोभाल वही जो भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास और मास्टरमाइंड। अब इन्हीं डोभाल को एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अजीत डोभाल इसी महीने के आखिर में फ्रांस जा रहे हैं। भारत और फ्रांस की इमैनुअल मैक्रोन सरकार के बीच होने वाली स्ट्रेटेजिक डिफेंस साझेदारी एक और बड़ा कदम होने जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक डायलॉग में हिस्सा लेने पेरिस के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान एनएसए अजीत डोभाल और मैक्रोन के राजनयिक सलाहकार के बीच भारत फ्रांस रणनीतिक बातचीत में कई मुद्दों पर बात होनी है। इस बातचीत में मुख्य रूप से चर्चा में ऐसी डील होनी है जिसमें समंदर के अंदर भारत की ताकत बढ़ेगी। भारत और फ्रांस के बीच क्लियर अटैक सबमरीन, 110 किलो के न्यूटन थ्रस्ट वाले एयरक्राफ्ट इंजन और अंडर वाटर ड्रोन के मुद्दे पर डील पक्की होने पर मुहर लगेगी। इतना ही नहीं, फ्रांस इन सबकी तकनीक भी भारत के साथ साझा करने को तैयार हो सकता है। फ्रांस के साथ होने वाली ये डील चीन और पाकिस्तान के होश उड़ाने वाली है। राफेल डील के बाद अब समंदर के अंदर भी भारत अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए तैयार होगा। न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, अंडर वाटर ड्रोन की इस डील के साथ हिंद महासागर में बढ़ती चीनी घुसपैठ पर भी रोक लगेगी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान भी इसके दायरे में आ जाएगा। पाकिस्तान की नापाक हरकतों से लेकर चीन की सीना जोरी तक को मुंह तोड़ जवाब देने की भारत की तैयारी में फ्रांस के साथ ये डील एक अहम कदम साबित होगी। फ्रांस के इस दौरे में एनएसए अजीत डोभाल की राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात भी हो सकती है। इस दौरान डोभाल और मैक्रोन को भारत की ओर से रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले ही एनएसए अजीत डोभाल रूस के दौरे पर गए थे। इस दौरान डोभाल ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से खास मुलाकात की थी। डोभाल ने इस मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे की जानकारी उन्हें दी थी। आमतौर पर ऐसा कम ही होता है कि किसी देश के एनएसए की सीधी मुलाकात किसी दूसरे देश के राष्ट्रीय प्रमुख से हो। अब ऐसे में डोभाल और पुतिन की मुलाकात को खास माना गया था और अगर इस फ्रांस के दौरे पर डोभाल वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मिलते हैं तो इस मुलाकात को भी बेहद खास माना जाएगा। अब आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।